हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फाउंडेशन में। एंड आज की क्लास में हम लोग अपने पीरियड को गेटअप प्रपोज करेंगे। बट गेटअप प्रपोज करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा सिक्योर डेटा है, जो सेंसिटिव डेटा है, उसको सिक्योर कैसे करते हैं, ये हम लोग आज की क्लास में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं वीएस कोड टाइप एडिटर पे। एंड जैसे मान के चलो कि जब हम लोग गेटअप प्रपोज करेंगे इस डेटा को अपने, तो होगा क्या कि इसके साथ साथ हमारा जो पासवर्ड होगा डेटाबेस को वो भी जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद मान के चलो कि हम लोगों ने अगर ईमेल आईडी कॉन्फिगर वगैरह करी है अपने प्रोजेक्ट से, तो उस ईमेल आईडी का पासवर्ड होगा वो भी चला जाएगा आपके साथ। तो आपका जो डेटा होगा वो मिस यूज होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, और हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी हमारा डेटा को क्या कर सके, जो सेंसिटिव डेटा है, जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो इसको यूज करें। अब जैसे मान के चलो कि हमारे प्रोजेक्ट में सीक्रेट की है, तो हम नहीं चाहेंगे कि कोई किसी को पता लगे हमारे सीक्रेट की या हमारे प्रोजेक्ट की, ठीक है। डेबग हम लोगों ने क्या रखा है, ट्रू रखा है, फॉल्स रखा हुआ है, इसके बारे में किसी को आइडिया ना लगे। एंड हमें डेटाबेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी हमको हाइड रखनी है कि कोई भी थर्ड पार्टी यूजर इसको इजिली एक्सेस ना कर पाए। तो इन सारी चीजों को हम लोग आज की क्लास में सीखेंगे, कैसे हम लोग इन सभी चीजों को सिक्योर करते हैं अपने अननोन यूजर से। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग ब्राउजर पर आते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक नया टैब ओपन करते हैं, एंड यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पाइथन डीकपल, DCOUPL, डीकपल पैकेज का यूज करेंगे हम लोग। सो पाइथन डीकपल पैकेज के लिए यहाँ पे देख लो, इसकी फर्स्ट लिंक है पाइथन डीकपल, इसको आपको ओपन कर लेना है। एंड यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हम इसको करेंगे इंस्टॉल, तो यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं। एंड कॉपी करने के बाद आएंगे अपने टर्मिनल में, एंड यहाँ पे कंट्रोल सी से पहले हम लोग अपना सर्वर बंद करेंगे। कंट्रोल सी से हम लोगों ने अपना सर्वर क्लोज किया, क्लियर। एंड इसके बाद राइट क्लिक करना है एंड पेस्ट करना है, ठीक है। सो पाइथन इंस्टॉल पाइथन डीकपल, और इस पैकेज को एंटर मार के कर लेंगे हम लोग इंस्टॉल। वेट करते हैं, मैक्सिमम ये 4 से 5 सेकंड लेगा और आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा, डन। इसके बाद अगेन हम लोग चलेंगे अपने ब्राउजर पे, इसकी डॉक्यूमेंटेशन को देखेंगे कैसे इसको हमको यूज करना है, ठीक है। सो इन्होंने बहुत ही सिंपल सी डॉक्यूमेंटेशन बनाई हुई है कि पाइथन डीकपल स्टिक सेपरेशन ऑफ सेटिंग्स फ्रॉम कोड। सो इसको हम लोग स्क्रॉल करते हैं एंड यहाँ पे आते हैं नीचे, ये देखिए, ठीक है। इसका यूजेस है कि सबसे पहले आपको इसको इंस्टॉल करना है, तो ये हम लोगों ने कर लिया है। इसके बाद देन यूज इट टू योर सेटिंग्स डॉट पी फाइल, इम्पोर्ट द कॉन्फिग ऑब्जेक्ट। तो आपको इसको कॉन्फिगर कर लेना है अपने सेटिंग्स डॉट पी फाइल में, तो कंट्रोल सेलेक्ट किया हम लोगों ने। इसके बाद कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए, राइट क्लिक करके कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आपको वीएस कोड में आना है, एंड ये हमारी सेटिंग्स डॉट पी फाइल है, टॉप में आएंगे हम लोग एंड इसको कर लेंगे यहाँ से इम्पोर्ट। तो मैं यहाँ पे पाथ के बाद ना कंट्रोल वी से या राइट क्लिक करके कंट्रोल वी से हम लोग इसको पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद जो सेकंड स्टेप है, अगेन हम लोग आएंगे डॉक्यूमेंटेशन में एंड नीचे रिट्रीव द कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स। सो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, अगेन आएंगे वीएस कोड में, एंड जो हमारा रूट फोल्डर है, ठीक है, रूट फोल्डर कौन सा है, फूड, ऑनलाइन फूड वाला। यहाँ पे आके हम लोग एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम रहेगा .env। फाइल क्या रहेगा, नाम रहेगा हमारा .env, हमारे फाइल का नाम रहेगा। एंड इसके बाद यहाँ पे आके अब यहाँ पे हम अपने सारे के सारे जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उनका हम लोग यहाँ पे कॉन्फिगर करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि जो हमारी सीक्रेट की है उसको यहाँ से लेंगे हम लोग। जैसे ये सीक्रेट की है, तो मैंने इसको कम्प्लीटली कॉपी किया, मतलब सेलेक्ट किया कंट्रोल सी से कॉपी, एंड इसके बाद अपने ENV फाइल में आएंगे, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देंगे। अब जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है हम इसको रिमूव कर देंगे यहाँ से, एंड ये जो यहाँ पे वैल्यू जो हम लोग असाइन करा रहे हैं की और वैल्यू की फॉर्म हो गई, तो की और वैल्यू में यहाँ पे डिक्शनरी देने की, मतलब यहाँ पे आपको स्ट्रिंग लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको नॉर्मली असाइन करा सकते हैं आपको इस तरीके से, ठीक है। फर्स्ट सीक्रेट की हो गई। इसके बाद अब यहाँ पे जो हम लोगों ने सीक्रेट की यूज किए ना, इसको हम लोग यहाँ से रिमूव कर देंगे। एंड रिमूव करने के बाद यहाँ से हम लोगों ने रिमूव कर दिया, देन यहाँ यूज करेंगे हम लोग कॉन्फिग, CONFIG कॉन्फिग का यूज करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्फिग को इम्पोर्ट कराया था ये, ठीक है। यहाँ पे इसको यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, सिंगल कोड के अंदर जो हमारी सीक्रेट की थी ना, जो हम लोगों ने की बनाई थी वहाँ पे, उसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। इसके बाद सिमिलरली ये डिबग ट्रू जो है इसको भी हम यहाँ से कॉपी करेंगे, सेलेक्ट करके कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आएंगे अपने .env फाइल में, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं इसको हम लोग रिमूव करेंगे, ठीक है। एंड इसको भी सेम यहाँ पे ट्रू को रिमूव करेंगे एंड यहाँ लिखेंगे कॉन्फिग।
एंड कॉन्फिग में क्या पास करना है हमको, डिबग पास करना है इसे। अब आपको इतना तो पता है कि जो डिबग में जो हमारा वैल्यू असाइन होती है वो होती है बूलियन टाइप की वैल्यू, बट हमारी जो कॉन्फिगर कॉन्फिग फंक्शन जो है ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। तो जब ये वैल्यू रिटर्न करेगा तो क्या करेगा, इस तरीके से करेगा, ट्रू करेगा, ठीक है। बट इस ये तो स्ट्रिंग वैल्यू है, तो इसके लिए मतलब अगर आपको टाइप चेंज करना है किसी भी वैल्यू का, तो उसके लिए इन्होंने क्या बताया हुआ है, अगेन डॉक्यूमेंटेशन में आएंगे, एंड यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कास्ट बूल। तो इस वैल्यू को यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है, एंड इसके बाद आपको अगेन आना है वीएस कोड के अंदर, एंड यहाँ पे कॉमा लगा के इसको पेस्ट कर देना, सिंपल, ठीक है। ये भी डन हो गया। इसके बाद अब हम लोग करेंगे अपने डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन। डेटाबेस यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, डेटाबेस का नेम। तो डेटाबेस का नेम हम लोग यहाँ से कट करते हैं एंड आते हैं अपने डॉट ई एन वी, एंड यहाँ पे मैं एक कमेंट कर देता हूँ, कॉन्फिगर कॉन्फिगरेशन कॉन्फिगरेशन ऑफ डेटाबेस, ठीक है। सो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, db_name। सो db नेम में हम क्या पास कर देंगे, जो भी हमारे डेटाबेस का नेम था, ये हो गया। इसके बाद अगेन आएंगे सेटिंग डॉट डी फाइल में, अब यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे, कॉन्फिग एंड कॉन्फिग में सिंगल कोट के अंदर क्या नाम दिया था हम लोगों ने यहाँ पे, db_name। इसको यहाँ से कॉपी करना है, जो भी आपने की बनाई थी यहाँ पे, एंड इस की को यहाँ पे पेश कर देना, इतना सिंपल। इसके बाद यूज़र, तो यूज़र को यहाँ से हम लोग कट कर लेंगे, यहाँ पर आएंगे सेकंड db_ यूज़र, स्पेस नहीं रखना है एक्स्ट्रा, ये डेटाबेस का नाम दे दिया हम लोगों ने यहाँ पे, सेम क्या रहेगा कॉन्फिग, सॉरी इसे हटाना पड़ेगा हमको, कॉन्फिग एंड कॉन्फिग के अंदर db_ यूजर, ये हो गया। इसके बाद पासवर्ड, तो पासवर्ड हम लोग यहाँ से रिमूव कर देंगे, एंड यहाँ पे रहेगा हमारा db_ पासवर्ड, जो पासवर्ड था हमने पासवर्ड यहाँ पर रखा, एंड सेम इसको हम लोग यूज़ कर लेंगे अपनी सेटिंग्स डॉट पी आई फाइल, कॉन्फिग एंड सिंगल कोड के अंदर पेस्ट कर देना। देन होस्ट क्या रहेगा हमारा, लोकल होस्ट, तो इसको भी हम यहाँ से कट कर लेते हैं एंड सेव करते हैं, ईएनवी में आते हैं, एंड यहाँ लिखना है आपको db_host, एंड जो होस्ट हमारा लोकल होस्ट वो लोकल होस्ट लिखा। इसके बाद इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद सेटिंग्स में पे फाइल में आते हैं, एंड यहाँ पे आने के बाद कॉन्फिग कॉन्फिग में सिंगल कोट्स के अंदर इसको पेस्ट कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने डेटाबेस के जो बेसिक कॉन्फिगरेशन थी वो भी हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको डिफाइन कर दिया अपनी डॉट ई एन वी फाइल। अब जब हम लोग इस कोड को पुश करेंगे अपने डेटाबेस में, तो होगा क्या कि जो हमारी ये डॉट ई एन वी फाइल है ना, इसको हम लोग मैंशन कर देंगे डॉट इग्नोर में, ठीक है। तो डॉट इग्नोर में मे बी ये फाइल पहले से ही आपको मिल जाएगी, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ टॉप से डॉट ई एन वी ट्रांसलेट, देख रहे हो आप, एनवायरमेंट के अंदर डॉट ई एन वी नाम की जो फाइल्स है ये ऑलरेडी गिट इग्नोर में है। इसका मतलब कि जब हम लोग इसको गिटहब पे पोस्ट करेंगे तो ये वाली फाइल हमारे गिटहब पे नहीं जाएगी, और जब गिटहब पे नहीं जाएगी हमारी फाइल, तो ये जो सेंसिटिव डेटा है ये भी हमारे गिटहब पे नहीं जाएगा, और फिर हमारा जो जो प्रोजेक्ट है वो क्या हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा। इसके बाद बट मान के चलो कि कोई भी आपका नोन पर्सन है और वो गिटहब का गड़बड़ गिटहब के प्रोजेक्ट को कॉन्फिगर करता है, मतलब सेटअप करना चाहता है अपने लोकल मशीन पे, तो उसको कैसे पता लगेगा कि ये सारी चीज़ें मुझे मैनेज करनी है अपने जंगो पेड़ के लिए। तो आपको क्या करना है, इन सभी जो डेटा है आपको इसको कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आने के बाद ना आपको एक और फाइल बनानी है रूट फोल्डर के अंदर यहाँ पे, एंड इसका क्या रखना है डॉट ई एन वी, डॉट ई एन वी सैम्पल, ठीक है। एंड यहाँ पे आने के बाद आपको इसको सारा का डाटा पेस्ट कर देना है,
एंड जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है इसको आप रिमूव कर दीजिए यहाँ से, इन सबको यहाँ से हटा दीजिए। अब इससे होगा क्या कि जब कोई भी फ्रेंड, आपका फ्रेंड या नोन पर्सन जेंगो पेड का सेटअप करेगा, तो उसमें जो भी ये इन्फॉर्मेशन है वो आपका अपने अकॉर्डिंग वो फिल कर लेगा, और देन वो इजीली क्या कर पाएगा, अपने पेड़ को सेटअप कर पाएगा। ओके, एंड जो .env.dash सैंपल फाइल है ना, ये आपको गिट इग्नोर में देखने को नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये फाइल हमारी गिटहब पे जाएगी, ठीक है। तो गिटहब पे जब जाएगी हमारी ये फाइल, तो इसके अकॉर्डिंग वो अपने सीक्रेट की फिल कर लेगा, डिबग ट्रू या फॉल्स जो भी उसको रखना होगा रख लेगा, डेटाबेस का नाम दे देगा वो अपना, यूजर नेम जो भी होगा वो दे देगा, और पासवर्ड जो भी होगा वो रख लेगा, एंड जो भी उसका होस्ट होगा वो उसको मैसेज कर देगा। इस तरीके से उसको काफ़ी आसानी हो जाएगी अपने जेंगो पेड का सेटअप करने में, ठीक। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या बनाई, .env-sample फाइल बनाई है, ठीक है। अब ये जो हम लोगों ने सारी कॉन्फ़िगरेशन करी है, अब हम लोग चेक कर लें कि जो हम लोगों ने सेटअप किया है ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए आएंगे अपने टर्मिनल में, एंड आने के बाद यहाँ पे हम लोग अपना सर्वर रन करेंगे। तो पाइथन manage.py रन सर्वर करते हैं, एंड उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से वर्क करें। ब्राउज़र पे आते हैं हम लोग, ब्राउज़र पे आने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करने के बाद जो हमारा प्रोजेक्ट है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। अभी हम लोग अपना एडमिन पैनल और लोग ओपन करके देख लेते हैं। एडमिन, यूजर नेम एडमिन हो गया, पासवर्ड एडमिन, लॉगिन करते हैं, एंड नाउ अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट था वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब जो हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन करी है वो एकदम प्रॉपर वर्क कर रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों ने चेंजेस किए हैं, इस चेंजेस के साथ हम लोग अपने पेड़ को गिटहब पर पुश करने वाले हैं। गिटहब कैसे पुश करेंगे, देखो कंट्रोल सी से पहले हम लोग अपना सर्वर क्लोज करते हैं एंड क्लियर करते हैं, एंड इसके बाद गिट स्टेटस हम लोग पहले चेक करेंगे कि हमने कितने चेंजेस किए हैं अपने पेड़ में, गिट स्टेटस, ठीक है। तो ये फाइल्स हैं हमारे कुछ, इसके बाद इन सभी को हम लोग ऐड कर लेंगे, गिट add-a, ये सारी फाइल्स ऐड हो जाएंगी हमारी, एंड इसके बाद कमिट करेंगे, गिट commit-m। सो अब कमिट में आप क्या क्या लिख सकते हो, जैसे मान के चलो कि मैंने यहाँ लिख दिया कि होम पेज सेटअप, होम पेज सेटअप, एंड होम पेज सेटअप किया था हम लोगों ने, और क्या किया था हम लोगों ने, हाँ वो पोस्ट के एसक्यूएल इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन पोस्ट ग्रे एसक्यूएल, ठीक है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद इसको हमें हिट कर देना है, डन नाउ। अब इसको हम लोग पुश कर देंगे अपने मेन रिपोजिटरी में। सो कमांड की गेट पुश, एंड इसके बाद ओरिजिन एंड मेल, इसके बाद एंटर करना है, एंड अगर सब कुछ ठीक रहता है तो जो मेन रिपोजिटरी हमारी, यहाँ पे जाके हमारा कोड पोस्ट हो जाएगा। परफेक्ट, डन, ठीक है। इसके बाद अगेन हम लोग अपने ब्राउजर पे आते हैं, एंड ब्राउजर पे आने के बाद हम लोग अपना जो गिटहब अकाउंट है उसको ओपन कर लेंगे। इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद हम लोग अपने रिपोजिटरी में आते हैं, एंड यहाँ पर जो हमारा प्रोजेक्ट था ऑनलाइन फूड अपडेटेड नाउ, अभी अभी हम लोगों ने अपडेट किया। इसके बाद अगर मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। सो अभी टू कमिट्स हुए हैं, जिसमें से ये कमिट हुआ है अभी 1 मिनट एगो, ठीक है। आप इसे ओपन करके देख सकते हो कि आपने क्या क्या चेंजेस किए हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, देख सकते हो इस तरीके से। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग अपने डेटा को सिक्योर करने के लिए कैसे हम लोग ENV फाइल बनाते हैं, और किस तरीके से जो अपना सेंसिटिव डेटा होता है उसको सिक्योर करते हैं, ठीक है। सो 80 लाख मिलते रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेटवर्क से, तब तक के लिए बाय बाय।